नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। दरभंगा में एम्स के निर्माण को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। यूं कहें कि बीजेपी और जेडीयू के बीच तलवारें खींची हुई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच आज बीजेपी नेता गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में दरभंगा और मिथिलांचल के कई विधायकों और सांसदों ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर राज्य सरकार की शिकायत की और उन्हें ज्ञापन सौंप कर इस पर संज्ञान लेने की मांग की। विधायक विधान पार्षद के साथ हम लोगों ने आज एक ज्ञापन सौंपने का काम किया है और हम लोगों ने मांग की है जो 15-16 के बजट में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बिहार को दूसरा एम्स देने का काम किया। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी एक एम्स पटना को दिया और आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा को एम्स देने का काम किया और 15 से लेकर के और 23 तक 8 वर्षों से बिहार की सरकार इसको लटकाने अटकाने और भटकाने का काम कर रही है। जब राज्य की सरकार ने दरभंगा डीएमसीएच परिसर के 300 एकड़ भूमि में से 200 एकड़ कैबिनेट करके भारत सरकार को उपलब्ध करवाया तब भारत की सरकार अपने कैबिनेट से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी 1264 करोड़ और 750 बेड कैबिनेट करके देने का काम दरभंगा में एम्स बने इसके लिए निर्णय लिया और बिहार के मुख्यमंत्री दरभंगा डीएमसीएच परिसर में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जाकर के और लोकल वहां के स्थानीय हम लोग भी थे जन प्रतिनिधियों के साथ वहां पर एक निर्णय लेने का काम किया। डीएमसीएच प्रशासन जिला प्रशासन के समक्ष जो 200 एकड़ में से हम 50 एकड़ डीएमसीएच को देंगे और 150 एकड़ में डीएमसीएच परिसर में ही हम एम्स का निर्माण कराएंगे, ऐसा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा करके वहां से आए और जब वहां पर 81 एकड़ लोलैंड का भूमि का राज्य की सरकार ने मिट्टी भराने का काम भी किया और वहां जब 81 एकड़ की भूमि में मिट्टी की भराई हो जाता है और भारत की सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी एम्स के लिए डायरेक्टर नियुक्त करते हैं और वह डायरेक्टर उस 81 एकड़ भूमि में झंडोत्तोलन भी करता है और एम्स के लिए सारे पद स्वीकृति हो जाती है तब बिहार सरकार के एक एमएलए पूर्व कहते हैं जो इसको अब यहाँ पर नहीं बनेगा। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार से अलग हो जाती है तो निर्णय करते हैं जो यहाँ नहीं बनेगा, फिर वहाँ पर मुख्यमंत्री समाधान यात्रा में जाते हैं तो कहते हैं यहाँ नहीं बनेगा। तो हम महामहिम जी से एक ही आग्रह करने आए थे जो दरभंगा जिला में बिहार की सरकार जहाँ जमीन दे एक आप प्रधानमंत्री से शिलान्यास कराने के लिए तिथि दे और हम लोग उसको स्वागत करेंगे और महामहिम इस बात की पहल करे और प्रधानमंत्री को दरभंगा एम्स शिलान्यास का तिथि निर्धारित करके दे, यही मांग हम लोगों ने किया है और कहीं वहां पर द्वेषाभाव न रखते हुए इसको फटकाने लटकाने अटकाने का काम न करे। 8 करोड़ उत्तर भारत उत्तर बिहार के लोगों को देखते हुए जो 70% इस देश में बीमार कहीं होता है तो हम लोगों के क्षेत्र से लोग होते हैं ताकि उसका कारण भी है जो उत्तर बिहार में
कोसी, कमला, गंडक, बलान, आर्सेनिक रहित अधिक पानी है और एम्स बन जाने से 8 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। नेपाल के 14 जिला के लोग लाभ लेंगे, पश्चिम बंगाल के 6 जिला के लोग लाभ लेंगे और सिक्किम के मुख्यमंत्री भी दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे जो मेरा भी दरभंगा ही एम्स निकट का होगा। ऐसे लगभग 15 करोड़ लोगों के लिए दरभंगा में एम्स होना आवश्यक है। इसलिए महामहिम जी आप पहल करके माननीय प्रधानमंत्री से दरभंगा में शिलान्यास अविलंब करावे। दूसरी ओर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि बीजेपी के नेता नौटंकी कर रहे हैं, राज्य सरकार ने वो तमाम काम कर दिए हैं जो उसे करना चाहिए। केंद्र सरकार ने जमीन मुहैया कराने कहा था, मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर इंटरेस्ट लेकर जमीन मुहैया कराई, लेकिन अब उसमें तरह तरह के व्यवधान डाले जा रहे हैं। उन्हें जो करना है करें, बिहार की जनता देख रही है। सुनिए किस तरह से ललन सिंह ने बीजेपी नेताओं को चेताया। बीजेपी के सांसद को जहां मंत्री वहां परेड करें सब थोड़ा, लेकिन केंद्र की सरकार दरभंगा में एम्स बनाना नहीं चाहती है, उस पर राजनीति करना चाहिए। दरभंगा एम्स के लिए जो राज्य सरकार ने जमीन चिन्हित किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पत्रकारों को कहा है कि जाके जमीन चल के देखिए, जो जमीन चिन्हित किया है राज्य सरकार ने, उस जब वह जमीन 6 लेन पर किनारे है, उस एम्स तक का तक जाने के लिए राज्य सरकार ने 4 लेन सड़क बनाने का निर्णय किया है, उस जमीन को की मिट्टी भराई के लिए राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, उसके अतिरिक्त दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो वर्तमान में है उसको भी अपग्रेड करके उसके लिए 1000 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है। तो राज्य सरकार तो चाहती है कि दरभंगा में एम्स भी बन जाए, राज्य सरकार चाहती है कि दरभंगा में दूसरा अस्पताल जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज है वो भी एक विकसित अस्पताल के रूप में, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के रूप में विकसित करें। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो जिम्मेदार सरकार है उसको काम करना नहीं है, वो दरभंगा में एम्स बनाना नहीं चाहती है। दरभंगा में एम्स का सिलेक्शन किसका है? दरभंगा में एम्स बने यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सिलेक्शन है। मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि पटना में एक पुराना मेडिकल कॉलेज था, सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज, तो पटना में एम्स बन गया और पटना के बाद बिहार में जो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज था दरभंगा, वहाँ दरभंगा शहर में एक एम्स बनना चाहिए और ये राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया। राज्य सरकार ने जमीन चिन्हित कर दिया, उस पर 300 करोड़ रुपया मिट्टी भराई के लिए स्वीकृत कर दिया। अब उनको राजनीति करना है, एम्स नहीं बनाना है, राजनीति करना है तो वो राजनीति करते रहे, लेकिन राज्य सरकार दरभंगा मेडिकल कॉलेज को वो एम्स बनाए नहीं बनाए, राज्य सरकार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के रूप में 1000 करोड़ रुपया खर्च करके उसको विकसित करने का निर्णय लिया।